प्रदेश के एकमात्र युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में इंडियन आर्मी के विजेंता टैंक को स्थापित किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्धों में ये टैंक अपनी अहम भूमिका निभा चुका है, जो कि धर्मशाला के युद्ध संग्रहालय में यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। जानकारी के अनुसार विजेंता टैंक इंडिया का वर्क हॉर्स है तथा पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां भारत ने लड़ी हैं उनमें विजेंता टैंक को इस्तेमाल किया गया है, जो कि पर्यटन के दृष्टि से भी लोग यहां इसे देखने पहुंचेंगे। अधिकारियों की माने तो जो भी टैंक डिस्प्ले के लिए आर्मी रिलीज करती है, जो अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट कर चुके होते हैं उन्हें ही रिलीज किया जाता है। इसी तरह एयरफोर्स वाले भी अपने जहाज रिलीज करते हैं। यहां स्थापित टैंक कितना यूज हुआ है इसकी लॉग हिस्ट्री और मेंटेनेंस हिस्ट्री भी लॉग बुक के रूप में यहां आई है। उसका अध्ययन करने के उपरांत ही इसके बारे में ज्यादा बताया जा सकता है। सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में विजेंता टैंक स्थापित किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी का वर्क हॉर्स है। इस टैंक को दिल्ली से मंगवाया गया है, जिससे धर्मशाला में प्लेटफॉर्म बनाने तक पठानकोट में रखा गया था। आज उसे आर्मी की मदद से युद्ध संग्रहालय में स्थापित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने भले ही पूरे देश में सफाई की अलख जगाई हो, लेकिन ज्वालामुखी प्रशासन इस अभियान के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। ऐसा ही आजकल ज्वाला जी से टिहरी रोड पर जगह जगह पर मरे पड़े पशुओं के अवशेषों की दयनीय स्थिति को देखकर लग रहा है। इस स्थान पर मरे हुए पशुओं की हड्डियां एवं चमड़े के ढेरों से चारों ओर गंदगी का आलम है। ऐसा नहीं है कि इस बात की शिकायत प्रशासन तक नहीं पहुंची है, बल्कि यहां के उपमंडल अधिकारी से लेकर स्थानीय नगर परिषद व वन विभाग के आला अधिकारियों तक इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई करने से परहेज किया जा रहा है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि यहां दूर दराज के क्षेत्रों से आ रही गाड़ियों में लाए गए मृत पशुओं को लेकर वे गंभीर हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर गंदगी फैलाने वाले लोग पशुओं के मृत देह से कई तरह के व्यापारिक कार्यों को अंजाम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वे अपना काम पूरा होने पर पशुओं को मिट्टी में दफन नहीं करते हैं। यहां पर फैली गंदगी से पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लोगों को अब गंभीर बीमारी के फैलने का अंदेशा भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार एवं भारत सरकार के अधिवक्ता रामजन खान का आरोप है कि टिहरी के जंगल में जगह जगह पशुओं के अवशेष फेंके जा रहे हैं, जिससे यहां चारों ओर गंदगी का आलम है। यहां तक कि इसी के नजदीक पीने के पानी की सप्लाई की योजना भी है, जो भी प्रदूषित होने के खतरे में है, क्योंकि पशुओं को नोच कर खाने के बाद गिद्ध जगह जगह पर गंदगी फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी यहां पर पशुओं को फेंकने से मना किया है। उनका कहना है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर इसकी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में गंभीर आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। एसडीएम अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी नगर परिषद के जेई व अन्य अधिकारियों से बात कर ली गई है। कमेटी के नियमों के अनुसार मृत जानवरों को भूमि पर दबाया जाता है। हमने उसको निर्देश दिए हैं कि यदि कोई मृत जानवर पाया जाए तो उसे खुले में ना फेंका जाए, बल्कि उसे दबाया जाए। कमेटी के जेई ने कहा वो आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी पहुंचने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार, जिला शिमला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि सिंह ठाकुर व जिला कांगड़ा के गणेश दत्त ने सबसे पहले मां ज्वालामुखी मंदिर में मां की विधिवत पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। सह मंदिर अधिकारी अमित गुलेरिया व मंदिर न्यास सदस्य पुजारी सौरभ शर्मा ने उन्हें ज्वाला मां की चुनरी व मां की प्रतीका भेंट की। विनोद कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को मांगों को लेकर सरकार से वार्ता पिछले कई सालों से बंद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि कर्मचारियों के साथ वार्ता के
दौर को फिर से शुरू किया जाए ताकि कर्मचारियों की मांगों और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जा सके। विनोद ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से कोई भी JCC की बैठक नहीं हुई है। जिन विभागों में भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन की जरूरत है वे जल्द से जल्द पूरे किए जाए ताकि कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में केंद्रीय वेतनमान को लागू कर राज्य के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करे, क्योंकि राज्य के कर्मचारी अब पंजाब राज्य के अनुरूप वेतनमान दिए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेता कथित तौर पर सरकार व कर्मचारियों के मध्य भ्रम फैलाकर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर अपना स्वार्थ साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि 21 जुलाई 2019 को बिलासपुर में कर्मचारी महासंघ के चुनावों में मान्यता देते हुए उन्होंने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के लिए आमंत्रित कर भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए ताकि सरकार व कर्मचारी पूरे समन्वय से राज्य के विकास के लिए कार्य कर सकें।